हाय, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, हमने गेम के अंदर अपनी न्यू ट्रेन को ले लिया। एंड गाइस, मैं आज आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप भी अपने गेम के अंदर न्यू ट्रेन को कैसे ले सकते हैं। एंड गाइस, इसके साथ ही साथ में ये भी बताएंगे कि हमारे इंडियन बाइक सी ड्राइविंग 3 गेम का न्यू अपडेट आ चुका है, जिसमें आप सभी नाइट मोड को भी ले सकते हैं। वो कैसे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड उसके साथ ही साथ में मैं आप सभी को फायर इंजन की न्यू पिक भी दिखाऊंगा, जो कि रोहित गेमिंग स्टूडियो ने सेंड की है। तो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। एंड हमारे YouTube चैनल पे पहली बार हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आज पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए ही डालता हूं। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, आगे हम बात करने वाले क्या हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3 गेम के न्यू अपडेट में लैंड रोवर कार को भी ऐड किया जा रहा है क्या? रोहित गेमिंग स्टूडियो ने उसे कार गेम में तो ऐड कर दिया, क्या आपके इंडियन बाइक ड्राइविंग 3 गेम के इस बार के अपडेट में लैंड रोवर कार को भी ऐड करेंगे क्या? तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि लैंड रोवर डिफेंडर जो आपके इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में नहीं बल्कि इंडियन कार सिमुलेटर 3D गेम के अपडेट में आ रही है। हो सकता है कि आपके इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के इस बार के अपडेट में लैंड रोवर डिफेंडर को रोहित गेमिंग स्टूडियो ऐड कर दें। अब बात कर लेते हैं कि हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट इस महीने आ पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि अभी बहुत धीरे वर्क आपके इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम पर चल रहा है। तो क्या इस बार का अपडेट इस महीने में रोहित गेमिंग स्टूडियो दे पाएंगे या फिर नहीं? तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी आपके इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के इस बार के अपडेट में रोहित गेमिंग स्टूडियो नाइट मोड को ऐड कर पाए हैं। एंड उसके बाद रोहित गेमिंग स्टूडियो बोल रहे थे फायर इंजन को ऐड करने के लिए, बट अभी तक उसे ऐड नहीं कर पाए, क्योंकि कारण यह है कि रोहित गेमिंग स्टूडियो आपके इंडियन कार सिमुलेटेड 3D गेम पर वर्क कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार का अपडेट आपको इस महीने के लास्ट तक देखने को मिले, या फिर इसके नेक्स्ट मंथ में आपको स्टार्टिंग में ही अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आप सभी को पिछले अपडेट में आपकी कारों को रिमूव करके उसकी जगह मॉडिफाई कारों को ऐड किया गया था, बट एक भी बाइक व एक भी कार न्यू नहीं ऐड की गई थी। तो इस बार के अपडेट में रोहित गेमिंग स्टूडियो आपके इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में एक बाइक व एक कार को जरूर से जरूर ऐड करेंगे, बट अभी तक उसका नाम हमें नहीं बताया है। अगर जो आप सभी के मन में कोई बाइक व कोई कार हो तो उसका कमेंट नीचे कर देना, जिससे कि आपके इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के इस बार के अपडेट में वो कार व बाइक आपको देखने को मिल जाए। चलो, अब बात कर लेते हैं कि हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के इस बार के अपडेट में क्या हमें न्यू ट्रेन का अपडेट देखने को मिलेगा क्या? रोहित गेमिंग स्टूडियो ने जब ट्रेन का अपडेट दिया था तो हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में दो पटरियों को ऐड किया। उन्होंने बोला था कि फ्यूचर में हो सकता है कि हम न्यू ट्रेन को भी ऐड कर दे, तो आपके इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में दो ट्रेनें हो सकती हैं, क्योंकि उसके लिए रोहित गेमिंग स्टूडियो ने पहले से ही आपके गेम के अंदर दो दो पटरियों को ऐड किया है। तो इस बार के अपडेट में तो नहीं बल्कि फ्यूचर के आने वाले अपडेट में आपको ट्रेन यानी मल्टी ट्रेन का भी अपडेट देखने को मिल सकता है। इस बार के अपडेट में तो आपको फायर इंजन व ट्रक ट्राला एंड एक न्यू बाइक एंड एक कार एंड उसके साथ ही साथ में नाइट मोड, इतनी सारी चीजें आपको इस बार के अपडेट में देखने को मिलेंगी, ऐसा रोहित गेमिंग स्टूडियो ने हमें बताया था। बट इसके अलावा अगर कुछ भी और ऐड करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमें बताते हैं तो वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को उसकी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा व उसकी पीक व उसका लाइव गेम प्ले भी मैं आप सभी को दिखा दूंगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप सभी को वीडियो के थ्रू बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मर्जी हो कर देना, क्योंकि मैं इस गेम से रिलेटेड ऐसे अपडेट वाले वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ और फ्यूचर में भी डालता रहूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ।